जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है सॉरी आज का हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण में हमने दो वीडियो फिलहाल शब्द निर्माण के डाल चुके हैं, शब्दों का वर्गीकरण। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रचना के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि रचना के या बनावट के आधार पर कितने शब्द होते हैं। तो आपका उत्तर होना चाहिए तीन। प्रकार पूछेगा तो ही बता दीजिए, रूढ़, यौगिक और यौगिक रूढ़। ठीक है, पहला है रूढ़, दूसरा है यौगिक, तीसरा है यौगिक रूढ़। अब हम एक एक करके सभी को समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों क्या चीज़ है। रूढ़ शब्द क्या होता है? जिन शब्दों का सार्थक खंड नहीं होता, खंड मतलब टुकड़े, जिन शब्दों का सार्थक खंड नहीं होता, जिस शब्दों को हम सार्थक रूप से तोड़ नहीं पाते, हम उसको बोलते हैं रूढ़। जैसे हमने राम लिखा, है ना, ये राम लिखा, हम इसको सार्थक रूप से तोड़ नहीं सकते। ठीक है, यदि हम इसको सार्थक रूप से तोड़ नहीं सकते, रा प्लस म नहीं कर सकते, क्योंकि यदि मिलाने वाला काम केवल संधि और समास से होता है, इसमें किसी प्रकार की कोई संधि समास का उपयोग नहीं हो रहा है, तो ये हमारा रूढ़ शब्द हो गया। यदि इन दोनों को अलग अलग करते हैं तो इसका भी अर्थ कुछ नहीं होगा और इसका भी अर्थ है कुछ भी नहीं होगा। तो इस प्रकार जिसके सार्थक खंड नहीं हो सकते, सार्थक खंड नहीं हो सकते, जैसे दूध वाला का हो सकता है, दूध वाला। ठीक है, दूध दूध वाला को हम यहाँ प्लस के अलग करके कर सकते हैं। दूध का मतलब अलग होता है, वाला का मतलब कोई कोई कर्ता से संबंधित है। ठीक है, तो इस प्रकार, तो नीचे उदाहरण में देखिए, चावल शब्द का यदि हम खंड करेंगे तो क्या होगा? चा प्लस वल, तो चाव प्लस ल हो सकता है, ये निरर्थक है ना, या फिर चा प्लस वल होगा या फिर चाव प्लस ल होगा, तो ये निरर्थक है, इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा, अर्थात चावल एक रूढ़ शब्द है। ठीक है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका यदि हम उसको तोड़ते हैं तो उसका कोई भी, जिसको अगर दो खंड में तोड़ते हैं, यदि दोनों का कोई मतलब नहीं निकलता है, कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है, उसके जो खंड बनते हैं वो निरर्थक हो जाते हैं, तब हम उस शब्द को रूढ़ शब्द कहेंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ बता दिया राम, है ना, तो इसको हमने राम को तोड़ दिया, तो इसका भी कोई अर्थ है, इसका भी कोई अर्थ नहीं है। तो हम यदि अलग करके, अलग करने से यदि पता चलता है कि जो अलग होने वाले शब्दों का कोई मतलब नहीं है, निरर्थक है, तब की स्थिति में हम इस राम शब्द को हम रूढ़ बोलेंगे, न कि इनको रूढ़ बोलेंगे। ठीक है, इस राम शब्द को रूढ़ बोला जाएगा। ठीक है, इस राम शब्द को रूढ़ बोला जाएगा, ना कि रा को, ना ही मा को। ठीक है, कुछ उदाहरण देख लेते हैं रूढ़ के। ठीक है, चावल टुकड़ा नहीं होता, ठीक है, अतः निरर्थक है, ये तो मैं बता दिया हूँ। दूसरा बात है, आप जैसे और कुछ शब्द ले लेते हैं, शाम किसी का नाम ही, आप मेरा, आप किसी का नाम जैसे सीता, इसमें भी लिख लीजिए, इसमें बीच करेंगे तो इसका कोई मतलब, इसका कोई मतलब नहीं है, तो सीता शब्द एक रूढ़ शब्द कहलाएंगे। आगे चलते हैं यौगिक रूढ़। यौगिक आपने आपके केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, यौगिक आपने, तत्व जो है ना वो फ्री रहते हैं, मतलब उसमें किसी का मिलावट नहीं होता, लेकिन यौगिक में मिलावट होता है, जैसे पानी के यौगिक है H2O, है ना, सबको पता है पानी एक यौगिक है H2O, और पानी तत्व नहीं है, तत्व में किसी भी प्रकार का मिलावट नहीं होता, तो हम उसको रूढ़ मान लेते हैं, है ना, तत्व को हम रूढ़ मान लेते हैं, उसमें किसी प्रकार का मिलावट नहीं होता, लेकिन कुछ मिलावट होती है जिसको अलग अलग करने पर उसका अलग अलग मतलब होता है। जैसे अब पानी से H2O निकालेंगे तो हाइड्रोजन उड़ जाएगा और ऑक्सीजन भी उड़ जाएगा, और इन 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 दोनों का एक अलग से मतलब होता है। उसी प्रकार होता है यौगिक रूढ़, उसी प्रकार होता है यौगिक रूढ़, जैसे विज्ञान, सामाजिक, विद्यालय, है ना, विद्या के लिए, राजा का पुत्र। तो जो यौगिक शब्द जो है ना, यदि आपको ऐसा क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया कि ये कैसे बनता है, तो आपको याद होना चाहिए, है ना, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर शब्दों से निर्माण होता है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो शब्द निर्माण होता है उसको हम यौगिक शब्द बोलते हैं, और ये आपके संधि, समास, प्रत्यय और उपसर्ग के अंदर बनाए जाते हैं। क्वेश्चन यदि पूछ लिया जाएगा कि यौगिक शब्द का निर्माण निम्न में से किन किन से होता है, तो आपको संधि लगाना है, समास लगाना है, प्रत्यय लगाना है और उपसर्ग लगाना है। अब यहाँ देख लीजिए, जैसे विज्ञान है, मैंने बताया है कि विज्ञान को जैसे हम तोड़ेंगे तो वी अलग होता है, ज्ञान अलग होता है, और दोनों का अलग अलग मतलब होता है। ठीक है, सामाजिक, ये आपके प्रत्यय, ये आपके प्रत्यय से बना है। ठीक है, विद्यालय, आप में विद्यालय, विद्या के लिए आलय, है ना, ये आपके संधि से बना है, और ये राजकुमार, ये राजा का कुमार, तो ये है आपके यौगिक रूढ़। दो या दो शब्दों से मिलकर जो बनता है उसको यौगिक रूढ़ बोलते हैं। तो इसमें यौगिक रूढ़ कौन से होंगे? ये इक या लय
या फिर ज्ञान नहीं होगा, ये पूरा विज्ञान सामाजिक विद्यालय ये आपके यौगिक शब्द कहलाएंगे। ठीक है, ये शब्द आपके यौगिक शाला यौगिक शब्द कहलाएंगे। जैसे पाठशाला होती है ना, पाठशाला, पाठशाला, पाठ प्लस शाला, दोनों का मतलब है। और इन दोनों से मिल रहा है या तो ये होगा आपका यौगिक रूढ़, ये तो आपका खंड हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका यौगिक रूढ़ हिमालय विद्यालय। ठीक है, और चार शब्दों जो जो दोनों सार्थक हो दोनों साइड का, उसको हम बोलेंगे मेल। ऐसा क्वेश्चन पिछले बार व्यापम द्वारा पूछ लिया गया है कि इनका, कई बार तो वो पूछ ले जाते हैं, परिभाषा पूछा जाता है व्यापम CGPSC के हिंदी वाले सेक्शन में, इसका इसका परिभाषा भी पूछ लिया जाता है। अब इसमें चलते हैं फाइनली, योग रूढ़ क्या होता है, योग रूढ़ का होता है। ठीक है, आगे अर्थ के आधार पर हम पांच बातें पढ़ेंगे, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं योग रूढ़ क्या होता है। किसी शब्द को वही अर्थ ना होकर कोई अन्य अर्थ हो जाता है, यदि किसी दो शब्द को अलग अलग मिला दिया जाता है या फिर नहीं भी मिलाते हैं। जैसे कोई शब्द है पीताम्बर धारी, जलज लंबोदर, दशानन कंठ, गिरधारी लाल फीता शाही चारपाई, इस प्रकार के जो शब्द हैं ये अपने अर्थ को नहीं समझाते बल्कि किसी और को बताते हैं। जैसे पीताम्बरी धारी, पीताम्बर धारी किसको बोलते हैं, पीत वस्त्र कौन धारण करते हैं, भगवान विष्णु। लंबोदर कौन है, भगवान गणेश। दशानन कौन है, लंकापति रावण। ये दशानन उनके लिए ही उपयोग होता है, आप अपना नाम रखेंगे दशानन तो लोग आपको नहीं जानेंगे, है ना। आप किसी किसी से भी पूछ लीजिएगा, वो उन्हीं को ही जानेंगे दशानन को। लाल फीता शाही चारपाई, ठीक है, चारपाई का मतलब देखिए हमने मैथ्स में ये पाई पढ़ा है ना। यदि ऐसे ऐसे चारपाई मिला दें तो हम यहाँ 4π इसका मतलब नहीं होगा, चारपाई कहने का मतलब 4π नहीं है, जबकि चारपाई कहने का मतलब ऐसा खाट होता है जिसमें लोग रात में सोते हैं या बैठने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये होता है चारपाई। ठीक है, इसमें बहुत सारे हैं, पंकज है, दशानन है, दशमुख वाला रावण है, ये हम देख लिए थे। ठीक है, तो ये होता है आपका योग रूढ़। फिर से आप कर लीजिए, रूढ़ का मतलब मैं आपको केमिस्ट्री की भाषा में समझा दूँ तो रूढ़ का मतलब होता है तत्व जो किस में किसी का मिलावट नहीं होता, यदि आप उसको तोड़ देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आप एक तत्व मान लीजिए, इसको आप अलग नहीं कर सकते। ठीक है, ऑक्सीजन उसी प्रकार होता है, कुछ शब्द होते हैं जिसको हम तोड़ नहीं सकते, अगर तोड़ देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं होगा, तो होता है रूढ़ होता है। उसके बाद होता है यौगिक, किन्हीं जो दो शब्दों से मिलकर बना होता है और दोनों का अलग अलग अर्थ होता है, होता है यौगिक। और योग रूढ़ क्या होता है कि अपने अर्थ को ना दिखाकर, ये पीताम्बर धारी, जलज लंबोदर, दशानन, नीलकंठ, निर्धारी, किरधारी, ये अपने शब्द को दिखे, नीलाकंठ होता है, नीलकंठ का मतलब होता है किसी व्यक्ति के कंठ का नीला होना, लेकिन हम इस कंठ को नीला नहीं बोलेंगे। जब भी हमारे दिमाग में यदि हम जब भी सुनेंगे नीलकंठ तो हमारा सीधा ध्यान जाएगा भगवान शंकर की ओर, ना कि किसी लोक के कंठ नीला है, ऐसा नहीं आएगा। दशानन जैसे ही सुनेंगे या फिर जैसे ही आप बोलेंगे तो आपका माइंड सीधा जाएगा कि रामायण में हमने एक पात्र पढ़ा है जो लंका का राजा था, ये हाँ हम ये नहीं सोचेंगे कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके जिसके सर पे 10 सिर, हम ऐसा नहीं सोचते, सीधे लंका के बारे में ही सोचते हैं, लंकापति के। इस प्रकार जैसे वैसे चार पाई है, हम यहाँ 4π ना समझ के हम एक खाट समझते हैं ऐसा, है ना, जिसमें बैठ के लोग चाय पीते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका योग। आने वाले वीडियो में हम अर्थ के आधार पर पढ़ने वाले हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आपका दिन शुभ हो।